नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। कल तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर गए थे। गौरतलब हो कि जब तेजस्वी यादव ने राघोपुर के लिए अपना रुख तैयार किया, उसके बाद नदी पार किए नाव से और जनता के बीच पहुंचे, भव्य स्वागत किया गया, तो कई जगहों पर काला झंडा है वो भी दिखाया गया। उसी क्रम में एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव राघोपुर की जनता को मैसेज दे रहे हैं कि चिंता न करें, 3 महीनों में बिहार की जो NDA की सरकार है वो गिर जाएगी। इसके बाद बिहार में सियासी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो गया। इसी क्रम में अब तेजस्वी यादव पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव कुछ काम कर लिए होते तो उन्हें अपने क्षेत्र में नाव से नहीं जाना पड़ता। क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने, पहले आप सुने। उनके साथ दिक्कत क्या है कि बेचारे पूरे कोरोना काल में तो गए नहीं, बाढ़ में कभी गए नहीं, आए हैं नहीं काम करने का एक झूठा सांत्वना दे रहे हैं। जो खुद पथ निर्माण मंत्री रहे, उसके बाद उनको नाव से अपने क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, यही बताता है कि अगर उनकी कभी सरकार गलती से आ गई होती तो बिहार का क्या हाल होता। सर, डॉक्टर संजीव, सर आप जिस तरीके से आरोप लगाते रहते हैं, कई बार आपके भी कई विधायक लगाते हैं, वैसे ही अब JDU के MLA संजीव सिंह जो प्रवक्ता से हैं, उन्होंने अपने SP के खिलाफ लगाया है कि क्रिमिनल्स को बचाएं। मेरी जानकारी में नहीं है, उन्होंने JDU से बात की, लेकिन उन्होंने कहा भी सरकार जानकारी में। साफ तौर पर संजय जायसवाल का कहना है कि जब वो सरकार में आए और डिप्टी CM के तौर पर जब उनके पास पथ निर्माण का विभाग था तो कैसा उन्होंने काम किया, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र जाना पड़ा तो वो नाव से गए। आप समझ सकते हैं कि अगर वो सत्ता में रहते तो बिहार का क्या स्थिति होता। साफ तौर पर तेजस्वी यादव के उस बयान पर बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार करते हुए उन नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, जिन नीतियों के तहत महागठबंधन की जब सरकार बिहार में थी तो कामकाज हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि जहां आरोप प्रत्यारोप के दौर में तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए बिहार सरकार के गिरने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार भाजपा ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि NDA अटूट है। और जो बयानबाजी तेजस्वी यादव ने किया है वो बताता है कि जब वो डिप्टी CM थे और उनके पास पथ निर्माण विभाग था, उस दौरान कोई काम नहीं हुआ, जिसका ताज़ा उदाहरण उनका नदी मार्ग से राघोपुर जाना है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।